महामहोत्सव की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम से पाठ दशम स्कंद 27वां अध्याय श्लोक क्रमांक 6। पिता गुरुः त्वं जगताम् अधीशः दुरत्ययः कालः उपात दण्डः हिताय च इच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दण्डः हिताय चेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। माताएं शब्दार्थ पिता पिता गुरुः गुरु त्वं आप जगताम संपूर्ण ब्रह्मांड के अधीशः परम नियंता दुरत्ययः दुर्लंघे कालः काल उपात घुमाता है दण्डः दंड हिताय लाभ हेतु च तथा इच्छा स्वेच्छा से धारण किया गया तनुभिः आपके दिव्य स्वरूपों द्वारा समीहसे आप प्रयास करते हैं मानम मिथ्यागर्भ विधुन्वन समूल नष्ट करके जगदीश ब्रह्मांड के स्वामी मानिनाम बनने वालों के। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद के शिष्य द्वारा। अनुवाद आप इस संपूर्ण जगत के पिता आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लंघे काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देता है। निस्संदेह स्वेच्छा से दिए जाने वाले आपके विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने आप को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तात्पर्य यहाँ हिताय शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं। अल्पज्ञ तथा श्रद्धा विहीन छद्म पुरोहित ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं, किंतु चाहे भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से उन्हें दंड दे अथवा अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दे जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, उन्हें ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता गुरु तथा सर्वोपरि शासक हैं। अन्य विधि में दुर्लंघे काल के रूप में वे बद्ध जीवों द्वारा ईश्वहीन ईश्वर का साम्राज्य राम राज्य स्थापित करने के मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है, यह सत्य है। यह तो श्री भगवान का अनुग्रह है
कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रद्धाविहीन लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदीशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामने अशेष कृष्णाशाय परमानंद दायिने। आज बहुत ही विशेष अवसर है श्री गोवर्धन पूजा का। तो ये जो महोत्सव है आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने खुद डायरेक्ट किया था उनकी उपस्थिति में वृंदावन वासियों द्वारा उनके मार्गदर्शन में मनाया गया था। और जब ये उत्सव मनाया गया था तो भगवान ने घोषणा की थी, प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा पुस्तक में, भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार मैंने ये उत्सव मनाया है तो उसी प्रकार सभी को अपने सुख के लिए भगवान बता रहे कि जिस प्रकार मैंने स्वयं गोवर्धन की पूजा की है तो जो भी व्यक्ति इस रूप में यह उत्सव नहीं मनाएगा तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गोवर्धन पर्वत में अनेक सर्प हैं और जो भी गोवर्धन पूजा संबंधित कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे ये सांप काटेंगे और वो मर जाएगा। तो भगवान खुद डायरेक्शन दे रहे हैं कि क्यों आवश्यक है ये जो गोवर्धन पूजा महोत्सव है इसको सेलिब्रेट करना। और भारत में तो प्रचलित है, विशेषकर उत्तर भारत में ब्रज में अन्नकूट नाम से ये जो उत्सव है वो हर साल मनाया जाता है दीपावली के नेक्स्ट से। और जिसमें जब मैं गुजरात में थे हम तो इस दिन लोग अक्सर क्या नया साल भी मनाते हैं और भी जगह मनाते होंगे, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर ऐसा बोल के ग्रीट करते हैं। पर जितना मर्जी वो विश कर दें एक दूसरे को, लेकिन बहुत ही जगह तो क्या कभी हैप्पी होने वाला है, वो तो दुखालय में दुखालय में शाश्वतम, तो कभी हैप्पी नहीं रह सकते। एक माता कृष्ण ही है जो हमेशा हैप्पी है, तो उनका आश्रय लेके ही हैप्पीनेस मिल सकती है। जैसे हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान अपने भक्तों को हमेशा हैप्पीनेस असली सुख प्रदान करने वाले। और क्या बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर न्यू, तो इस बौद्ध जगत में तो कुछ नया है नहीं। पर रात में आज क्या बताते हैं पुनः पुनः चर्वित चर बनाना, तो वही चीज़ें चबाए को चबा रहे हैं, वो तो क्या नया है इसमें। लेकिन एकमात्र कृष्ण है, वो आता है ना कर्म संहिता में अद्वैतम अचूतम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च,
भले भगवान हूँ बुरा दिन मूर्छा, लेकिन उनका कैसे सौंदर्य कैसे नवे अवनम चा ऑलवेज स्वीट 16। तो वो एकमात्र भगवान हैप्पी भी वही है, न्यू भी वही है। और ईयर तो भगवान बताते हैं गीता में, कौन सा श्लोक है, कालो हम कालो अस्मि टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तो इसलिए हैप्पी न्यू ईयर की अपेक्षा क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो वो असली तर्क संगत सार्थक है। तो ये जो गोवर्धन पूजा का पूरा लीला है, तो ये भागवतम के दशम स्कंद के 24 से लेकर 28, ये पाँच अध्याय में, सॉरी 24 से 27, ये चार अध्याय में इसका लेख हमें मिलता है। तो अभी हम कृष्णा मुख से कुछ हम पैसेजेस पढ़ेंगे, और फिर ये जो गोवर्धन लीला है, तो इससे हम कुछ शिक्षाएं, कुछ हम लेसन्स ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो अभी मैं पाठ कर रहा हूँ ये 25वें अध्याय का। तो इसका शीर्षक है वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन में ग्वालों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ कृष्ण द्वारा रोक दिया गया है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और नंद महाराज आदि वृंदावन वासियों के ऊपर अपना गुस्सा उतारने लगा। यद्यपि उसे यह पूर्णतः ज्ञात था कि साक्षात कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हर वर्ष वो जो यज्ञ ब्रजवासी संपन्न करते थे इंद्र की तुष्टि के लिए, लेकिन बस एक साल ऐसा हुआ कि जो यज्ञ उनके लिए होना था, तो भगवान कृष्ण के कहने पर वो ब्रजवासियों ने उनकी तुष्टि के लिए ना करके गोवर्धन पर्वत के लिए किया। तो उसको इंद्र को मतलब इतना क्रोध हो गया कि भले ही मतलब उसने परवाह नहीं की कि भगवान कृष्ण साक्षात ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा प्राइड में था इंद्र कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हर साल तो उनकी पूजा हो रही थी, तो इस साल क्यों नहीं हुई। तो हम देख सकते हैं कि मतलब अगर रेगुलर बेसिस पे पूजा लाभ, किसी की पूजा या सम्मान मान सम्मान मिल रहा है, तो बहुत ही रिस्की है। कोई हमें मतलब रेगुलरली पूजा प्रतिष्ठा मिले, और जरा भी कभी उस प्रतिष्ठा में, उस वर्शिप में, एडोरेशन में जरा भी आँच आ जाए, तो कैसे व्यक्ति तिलमिला उठता है। तो ये बद जीवों का एक स्वभाव है। तो एक्चुअली ये मतलब एक सेइंग है ना, पावर करप्ट। तो हम देख सकते हैं कि खासकर जो बौद्धिक जगत में, बाहर के जगत में जो ऊँचे ऊँचे पदों पर आसीन होते हैं, तो कितना उनको प्राइड होता है सेलिब्रिटीज़ को और सुपरस्टार्स और जो भी तथाकथित हीरो हीरोइंस को, तो कितना गर्व है। क्यों? क्योंकि उनको एक पोस्ट, एक समाज में एक दर्जा मिला। तो यहाँ पर इंद्र भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक भौतिकवादी व्यक्ति का। तो हम मतलब हम साधक हम भी कुछ लेसन ड्रॉ कर सकते हैं कि भले ही इस आंदोलन में प्रभुपाद की सेवा के लिए हमें पद स्वीकार करना पड़े, तो पद तो मतलब फिर लोग रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन कभी हम उसका मत, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इंद्र के उदाहरण में मिलता है कि कितना क्रोध हो गया बस एक बार उनको उनके लिए यज्ञ जो कि हर वर्ष हो रहा था, तो उनके लिए एक वर्ष नहीं हुआ, तो इतना उनको क्रोध आया। तो ये मतलब एक डेंजरस सिचुएशन है कि मतलब जिसमें लोग आपको कैसे कहें, सामान्यतः आपको रिस्पेक्ट, वर्शिप, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ पूजा, कुछ मान सम्मान अर्पण करें, तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। खासकर जो लीडरशिप के रोल में हैं, यहाँ पर अपेक्षित है सबॉर्डिनेट से कि उनको कुछ रिस्पेक्ट, कुछ ऑफर करें, तो बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। तो इसलिए आवश्यक है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हम कितने तुच्छ, तुच्छ से भी तुच्छ हैं।
तो नियमित रूप से हमें स्मरण रहना चाहिए, वरना माया और कम कर सकती है। तो आगे पाठ करेंगे। इंद्र अपने को असुरों की तरह सर्वशक्तिमान परम पुरुष मानता था। जब असुर प्रबल उठते हैं तो वे परम नियंता श्री भगवान की अवहेलना करते हैं। यद्यपि इंद्र असुर न था किंतु अपने भौतिक वैभव से गर्वित था और वह परम नियंता को ललकारना चाह रहा था। वह उस समय अपने आप को कृष्ण के ही समान शक्तिशाली मान बैठा। उसने कहा, जरा वृंदावन वासियों की धृष्टता तो देखो, वे जंगल के रहने वाले हैं किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना का दुस्साहस कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मतलब कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है। अभी इंद्र है ना कंट्रोलर वर्षा के, तो कोई अथॉरिटेटिव कोई पोजीशन में है, सत्ता की स्थिति में। और जब उनकी सत्ता की अवहेलना होती है तब वो तिलमिला उठते हैं, तब असली परीक्षा होती है कि मतलब। तो जब तक कि उनकी बात सुनी जाए, उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क करें, तब तक तो ठीक है। लेकिन जो उनकी अथॉरिटी को कोई स्वीकार नहीं करता, तब एक्चुअली टेस्ट है। तो यहाँ पर मतलब इंद्र अपने भौतिक वैभव से, मतलब वैभव किनके द्वारा दिया गया है? इंद्र इंद्र की पोस्ट पे क्यों है? भगवान कृष्ण ने अपॉइंट किया ना, हर कोई सभी देवी देवता हूँ उनके ही सर्वेंट्स हैं, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। लेकिन वो बस मतलब उनकी अथॉरिटी चैलेंज हुई परवानी की ब्रजवासियों ने, तो इस वजह से वो मतलब इतने क्रोध हो गए। और क्या बोल रहे हैं, देखो वो जंगल के रहने वाले कृष्ण के बहकावे में आ गए, कृष्ण कौन है, सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, तो मतलब कैसे, मतलब मदांत व्यक्ति जब प्राइड में होता है तो बिल्कुल अंधा हो जाता है। जो कृष्ण जिनकी वजह से वो पोस्ट पे बैठे हैं उनको भी नहीं पहचान पा। तो एक मतलब जो अथॉरिटी की पोजीशन पे है तो उनके लिए भी एक लेसन है कि वो डिटैच रहें, आसक्त ना हो अपनी स्थिति से, कि भाई हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क करनी चाहिए। ठीक है, हम माध्यम हैं, हम चाहते हैं अच्छे से संचालन हो, सब भक्त कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करें, लेकिन कभी अटैच होना हो कि मेरे माई वे और हाई वे, मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क करनी चाहिए। तो कृष्णा कंट्रोलर है, हमेशा याद रखना है, हम कंट्रोलर नहीं। तो इसलिए तो भले हम किसी भी पोस्ट पे हों, टेंपल कमांडर, प्रेसिडेंट, या कोई यूथ प्रीचर है, तो कभी कभी होता है ना हमसे कोई प्रीचिंग करके नए भक्त जोड़े और फिर हमें लगता है कि अच्छा भाई मैंने इनको जोड़ा तो भाई ये फिर मेरे हिसाब से चलने चाहिए, जिनसे मैं कहूँगा उनसे ही दीक्षा लेनी चाहिए, या मैं जो सेवा बोलूँगा वही सेवा करनी चाहिए। तो फिर जब वो सेवा नहीं करेंगे या वो किसी और व्यक्ति से प्रेरित होंगे आश्रय ग्रहण करने के लिए, तब हमें तिलमिला उठते हैं। तो ये सब परीक्षाएँ, तो हमें डिटैच रहना है। तो भले ही प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा करने के लिए ऐसी पोस्ट मिल भी जाए, लेकिन हमें अनासक्त रहना है और कभी भी कमांडिंग, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं, सब कृष्ण की प्रॉपर्टी और हम तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये धारणा होनी चाहिए। तो इसी हमारी ऐसी उपयुक्त धारणा होगी तभी हम स्मूथली प्रोग्रेस कर सकते हैं कृष्ण भावना में। इंद्र ने वृंदावन वासियों के इस कृत्य की आलोचना की और कहा, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि ना देने के कारण तुम भवसागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उसने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की। यह तो निरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया। इस प्रकार उसने सामवर्त को आदेश दिया कि वह जाए और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। तो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जब मतलब एक के बाद एक
जैसे गीता में भी आता है ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते, तो पूरा साइकिल है कि पहले वो इंद्रिय विषय का चिंतन करता है, फिर उसके बाद एक्चुअली एसोसिएट करता है, और फिर एक के बाद एक काम क्रोध। यहाँ भी क्योंकि इंद्र गर्वित हो चुके थे, तो उनके जब गर्व में उनकी प्राइड में जब आँच आई तो कितने वो क्रोध हो गए। और व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो वो देखता नहीं आगा पीछा, हूँ मतलब कुछ भी, वो बैलेंस एक अप्रोच कुछ मतलब बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है ना, तो व्यक्ति क्रोध में एक कभी राइट डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब उसको कुछ नहीं सोचता, बस अपना कैसे एंगर अपना वेंट करना है, बस क्रोध निकालना है, वो परवाह नहीं करता कि सामने वाले पक्ष में कौन है। और देखो मतलब कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं कि कृष्ण तो क्या एक बालक है, वाचाल बालक, वाचाल मतलब बातू नहीं, टॉकेटिव बॉय, तो उनके कहने पर मतलब जो कृष्ण जिनकी वजह से इंद्र की सत्ता है, उनका अस्तित्व, तो अभी क्रोध में आकर उनके लिए कैसे अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं, वो तो वाचाल है, एक छोटा बालक है, उसने मेरी सत्ता की अपेक्षा की है, और उसके क्या कौन सी मतलब व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो फिर वो कैसे कैसे मतलब अपराध करने में उधर आता है। तो हम देख सकते हैं कि इंद्र की इनको सामर्थक बातों का आदेश देने कि आप जाओ और वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दो। तो व्यक्ति मतलब क्रोध में आकर ऐसे ऐसे एक्शंस, ऐसे स्टेप्स लेने को मजबूर हो जाता है कि फिर वो विचार नहीं करता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जो सामर्थक बादल है वो तो प्रलय मचाने वाले बादल हैं, तो उनको वो ब्रज में भेज रहे हैं, तो परवाह नहीं कर रहे इंद्र की उसका क्या परिणाम होने वाला है। और फिर वो मतलब जो यज्ञ था वो ब्रजवासी ने स्टॉप किया था भगवान कृष्ण के कहने पर, तो वो कृष्ण के प्रति भी मतलब कैसी गलत धारणा रख रहे, उनके लिए भी अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब मतलब हमारे प्राइड में, हमारे मिथ्याभिमान में ठेस पहुँचती है, तो कैसे हम क्रोध में आ जाते हैं और फिर हम अपराध करने लगते हैं। तो ये अपराध चाहे फिर सामान्य जीवों के प्रति हो तो भी अच्छा नहीं देखते हम, खासकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई कोई व्यक्ति, नए व्यक्ति को हम प्रचार करते तो कभी कुछ बोल दे, होता है ना अक्सर कुछ ऐसा ही बोल दे कि आपने बढ़िया बुक जो बेच रहे हो, तो कैसे हम फिलहाल रुकते हैं, कैसे हम पलट के जवाब देते हैं, हाँ हाँ सब पढ़ी है, कितनी बार पढ़ी है, या फिर मतलब बहुत बार ऐसा होता ना, तो वो मतलब एक्चुअली हम वहाँ पर कहें क्यों, उस जीव को कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए, और जरा सा हमारे अभिमान को ठेस पहुँच जाए तो हम उनके प्रति भी अपराध करने लगते हैं। एक्चुअली हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि उनके कारण हम प्रभुपाद जी का आदेश है, अगर सामने वाला व्यक्ति ना होता तो हम जो प्रभुपाद की इच्छा थी, जो गुरु का आदेश है कि सबको प्रभुपाद के ग्रंथ दो, तो कैसे पूर्ण करते, एक्चुअली वो तो हमें हेल्प कर रहे हैं हम प्रभुपाद की इच्छा पूर्ण करने में, तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हम उनके प्रति ऑफेंसिव हो जाते हैं जरा भी हमारे कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ईगो को हर्ट कर दे, फिर हम तो ये अपराध कैसे कैसे पड़ते हैं सामान्य जीवों के प्रति। और फिर यदि हम भक्तों से डील कर रहे हैं तो अपने समकक्षी भक्तों के प्रति, फिर सीनियर डिवोटीज के प्रति, फिर वो अपराध बढ़ते बढ़ते गुरु के प्रति भी हो जाएगा और फिर कृष्ण के प्रति भी। यहाँ पर सब इंद्र हैं वो कृष्ण को गाली दे रहे हैं एक तरह से, इसलिए जो टेंडेंसी ऑफेंसिव उसको वहीं काट देना चाहिए। तो जैसे भी वो जितना बढ़ेगी तो जो अपराध का स्केल है और बढ़ता रहेगा जीवों के प्रति या फिर वैष्णव के प्रति, होते 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 गुरु और फिर कृष्ण के प्रति भी हम अपराधी हो सकते हैं। इसलिए ये जो मेंटेलिटी है वो बहुत ही डेंजरस है, तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है, कहाँ से, मैं महान हूँ, मुझे सब कंफर्ट्स मिलने चाहिए, प्राइड अहंकार, इसलिए हमें विचार रखना चाहिए कि हम कितने कितने तुच्छ हैं। अभी कुछ समय पहले हम वो चर्चा कर रहे थे कैसे लॉस एंजलिस मंदिर में एक बार प्रभुपाद जी के साथ बैठे थे तमालकेश महाराज, तो प्रभुपाद ने उनको कुछ जिम्मेदारी वाला सेवा दिया था और महाराज उनसे आशीर्वाद याचना कर रहे थे प्रभुपाद से कि मैं गर्वित ना हो जाऊँ। तो प्रभुपाद क्या समझाते, तो प्रभुपाद बताने लगते कि कैसे ये जो पूरा बौद्धिक जगत है वो क्या भगवान की जो रचना है उसका एक 1/4 पार्ट है, तो उस 1/4 पार्ट ये मेटेरियल वर्ल्ड है जिसमें कितने अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है,
उसमें से एक सबसे छोटा ब्रह्मांड है जिस ब्रह्मांड में हम हैं, और उसमें अनगिनत असंख्य प्लैनेट्स हैं, जिसमें एक छोटा सा प्लैनेट पृथ्वी है, और इस पृथ्वी प्लैनेट पे कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका है, और इस नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिसमें से एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, और इस यूनाइटेड स्टेट कंट्री में कितनी सारी सिटीज़ हैं, जिसमें एक सिटी लॉस एंजलिस है, और इस लॉस एंजलिस सिटी में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं, जिसमें से एक स्ट्रीट क्या है, लास सिनेगेट बॉलवॉर्ड, तो ये स्ट्रीट है, और उस स्ट्रीट पर इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग हमारा इस्कॉन मंदिर है, और उस मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं, जिसमें से एक तमाल कृष्ण बैठा सोच रहा है कि मैं बहुत महान तो समझने की हमारी क्या स्थिति है, तुझसे तुझसे भी तुझसे। तो जब ये धारणा में बिल्कुल हृदयंगम होगी, तभी हम उस मिथ्याहंकार की भावना से छूट सकते हैं, अदरवाइज बहुत डेंजरस सिचुएशन में हम हैं। उसके मतलब आगे फिर पाठ कर रहे हैं। तो जब इंद्र ने सामवर्तक तथा अन्य संगी बादलों को वृंदावन जाने का आदेश दिया, तो बादल इस दुष्कृत्य को करने से भयभीत थे, किंतु राजा इंद्र ने उन्हें आश्वस्त किया, तुम आगे आगे चलो, मैं भी पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊँगा, मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। तो ये पूरा भौतिकवादी व्यक्ति का परफेक्ट एग्जाम्पल कि भाई हमारी बात नहीं चलेगी तो कैसे हमें, जैसे कभी कभी क्या होता है वो मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कभी मतलब एक छोटे छोटे बच्चे हैं और एक एक बच्चा और उसका भाई है, तो अगर घर वाले क्योंकि छोटे बच्चों से ज़्यादा प्रेम होता है ना, तो अगर घर वाले फिर उस छोटे बच्चे के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाते हैं तो क्या करता है वो बड़ा भाई, अपने छोटे भाई को चूंडी मारता है। तो वैसे ये भौतिकवादी व्यक्ति की मतलब मेंटेलिटी है कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वो और कोई कैसे। तो यहाँ पर मतलब जब उन्होंने सामर्थक को आदेश दिया, तो सामर्थक तो जानते थे कि भाई हमारी क्या औकात है, वृंदावन हमें भेज रहे हैं वर्षा करने के लिए, लेकिन इंद्र कह रहे नहीं नहीं मैं हूँ ना, डरो मत। तो मतलब वो दिखाना चाह रहे ठीक है कि अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं कैसे न्यूसेंस क्रिएट करूँगा, मतलब प्रतिशोध लूँगा, कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ करूँगा। तो ये मतलब वैष्णव समाज में भक्त समाज में बिल्कुल ही कैसे कहे त्याज निंदनीय है कि भाई अगर हमारी मतलब हमारे अकॉर्डिंगली कोई चीज़ें वर्क नहीं हुई तो फिर मैं कुछ कुछ सबक सिखाऊँ, कुछ सोचूँ, कुछ प्लान करूँ, रियलाइज़ करवाऊँ कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, तो ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं होना चाहिए। हमें तो उल्टा मतलब विचार मतलब रखना चाहिए कि अच्छा है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, मुझे भगवान एक लेसन दे रहे हैं डिटैच रहने का। लेकिन इसके विपरीत यहाँ पर इंद्र की हम मानसिकता देख पा रहे हैं कि वो मतलब क्योंकि वृंदावन वासियों ने उनका यज्ञ स्टॉप कर दिया था, तो अभी वो उनको पनिशमेंट दंड देना चाह रहे हैं। राजा इंद्र का आदेश पाकर समस्त घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए और अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहाँ निरंतर बिजली तथा गर्जन प्रबल झंझा तथा अनवरत वर्षा होने लगी। अभी और वर्षा कैसी थी तो अभी उसका उल्लेख है। तो वर्षा तीखे बाणों के समान भेदने लगी, मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर ना रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीत से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय ना पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। तो हम देख रहे हैं भाई कि क्रोध में व्यक्ति मतलब कितना पागल हो जाता है ना, अंधा हो जाता है, तो विचार नहीं कर रहे कि मतलब वो एक्चुअली और शास्त्रों में और भी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है पुराणों में कि वो जो बारिश हुई थी तो उसकी जो बूंदें थी कैसी थी, एक एक बूंद यहाँ पर लिखा है पिलर्स स्तंभों के समान, तो एक हाथी हाथी जैसे हाथी बरसता है ना,
तो एक हाथी के समान एक बूंद थी, वो कोई एक सामान्य वर्षा नहीं थी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेनफॉल जो इंद्र ने की थी विशेष प्रयोजन से ब्रज को डुबाने के लिए। तीखे बाणों की तरह वो लग रही थी। और आगे वर्णन आएगा कि कैसे उल्का वृत्ति ओले पड़ रहे थे, जो कि सब आउट ऑफ सीजन था। तो व्यक्ति मतलब जब अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाते हैं, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास कि मैं उनका अंश हूँ और अपने आप को इंडिपेंडेंट मान लेता है, और फिर जब मतलब उसके सम्मान में जरा भी आ जाती है तो किस तरह वो मतलब घिरौने से घिरौने काम पे भी उतर जाते हैं, तो उसका उदाहरण हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो सभी उद्धार का कोई उपाय ना पाकर वे सब मतलब सब वृंदावन वासी थे, वे सब गोविंद के चरण कमलों में शरण लेने आए। इस प्रार्थना को सुनकर कृष्ण को भी पता लग गया कि इंद्र यज्ञ सम्मान ना पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है, जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझा चल रहा है। झंझा किसी को पता? झंझा बिजली। ओके, तो मतलब कृष्ण को तो सब पता था कि ये सब इंद्र की करदूत हैं, उनसे तो क्या छिपा है। तो भगवान तो है ही सबके हृदय में परमात्मा रूप में। तो कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, तो अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। अभी कृष्ण विचार कर रहे हैं कि अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है, मैं सबका परमेश्वर हूँ। अतः मैं इसकी उस झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, किंतु यह ना जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से फूल गया है और मदांध हो गया है, मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। तो भगवान अभी अपनी कृपा करेंगे, तो मतलब भगवान सभी की सेवाएं स्वीकार करते हैं, गोपाल लिखते हैं एक जगह कृष्ण मुख में, लेकिन उनको ये पसंद नहीं कि कोई भी भक्त में गर्व आ जाए। जैसे हम देखते हैं वो रासलीला में भी जब गोपियों को गर्व आ गया था ना कि कृष्ण अकेले हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारा इतना महान सौभाग्य है, तो कृष्ण कैसे वो अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ हालांकि अलग कारण है, लेकिन कृष्ण को अपने भक्तों में देश मात्र भी गर्व उनको अच्छा नहीं पसंद नहीं, तो इसलिए इंद्र का गर्व खंडित करने के लिए ये भगवान पूरा लीला की संरचना करते हैं। तो भगवान उनके इस गर्व को चूर चूर कर देंगे। तो हम समझते हैं कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम् यच्छति। तो भगवान हमारे परम हितैषी हैं। तो भगवान अभी कैसे, अभी हम वो पूरा लीला आपने पता ही है, कैसे भगवान गोवर्धन को धारण करके इंद्र का मान मर्दन करते हैं, उनके मान को भंग करते हैं। तो भगवान जानते हैं कैसे हमारा परम हित, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर वो पर्सनली इस केस में इस लीला में भगवान पर्सनली वो गोवर्धन को धारण करके इंद्र का मान को गर्व को चूर 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 करते हैं, और वैसे साधुओं के जीवन में तो भगवान व्यवस्था करेंगे यदि हम गंभीर हैं और भगवान वाकई कृपा करना चाहते हैं तो व्यवस्था करेंगे कि कभी अगर हम भी ऐसी स्थिति में पड़े तो वो भी हमारा गर्व खंडित हो और हम सही प्रगति कर सकें। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि हमें डिटैचमेंट के पाठ पढ़े मिलते जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो रही है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ही कृपा कर रहे हैं और हम एक विशेष लेसन एक सबक सिखाना चाहते हैं, ताकि हम कभी भी भक्ति में हमें अभिमान ना हो, अहंकार ना हो। तो भगवान परफेक्ट फिजिशियन है, वो जानते हैं कि जो हमारी ये डिजीज़ है जिसके कारण हम भौतिक जगत में, इसका क्या परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो भगवान फिर वो व्यवस्था करते हैं। और फिर इसके बाद का
इसके बाद फिर भगवान गोवर्धन धारण करते हैं और फिर 7 दिन तक जितने भी ब्रजवासी थे उनको संरक्षण प्रदान करते हैं और फिर 7 दिन बाद इंद्र को रियलाइज़ होता है कि वो मैंने तो बहुत गलत कार्य करा और फिर वो वापस बादलों को बुला लेते हैं और फिर जब अपनी गलती उनको अपनी मतलब गलती का एहसास होता है तो एक निर्जन स्थान में वो भगवान कृष्ण से के आगे प्रकट होते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर स्तुतियाँ करना प्रारंभ करते हैं। तो ये भी हम पाठ करेंगे अध्याय संख्या 27 से। तो स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया, अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो व्यक्ति जब मतलब अहंकार में होता है, क्रोध में होता है, तो वह पहचान नहीं पाता कि कौन उसका हितैषी है और कौन मतलब वो अपने इन मतलब भगवान कृष्ण जो कि सभी जीवात्माओं के परम हितैषी हैं, सुहितम सर्वभूतानाम, और मतलब उनको ही अपना शत्रु मानने लगा हूँ। मतलब उन्हीं को ही शत्रु तो मानने, तभी तो वो पूरा व्यवस्था कर रहा है कैसे पूरे ब्रज को डबाया जाए। हम देख सकते हैं ना सैमंतक मणि की लीला में भी, जब मणि चुरा ली गई थी प्रसेन के द्वारा और फिर भगवान ये रूमर फैल गए थे कि भगवान ने ही मरवाया है वो इनको सत्यभामा के पिता को, और फिर जब वो जाते हैं भगवान कृष्ण मणि को ढूंढने के लिए और वो जो गुफा में जहाँ पे जामन की गुफा में, और जब वो देखते हैं भगवान कृष्ण के एक बच्चे के पास मणि है तो इसे लेते हैं, तो कैसे जामान इतना क्रोध हो जाता है कि भगवान से लड़ने आ जाता है। तो क्रोध में वो पहचान नहीं पाते कि वो वही भगवान रामचंद्र है जिनका वो नित्य दास है, जिनकी उन्होंने कितनी सेवा की, लेकिन क्योंकि वो क्रोध में होते हैं तो वो पहचान नहीं पाता। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान बताते ना गीता त्रिभी नरकस्य द्वारम काम क्रोध तथा लोभा, तो इसलिए क्रोध कितना डेंजरस है कि व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि कौन मेरा शुभ चिंतक है। तो यहाँ पर मतलब वही भगवान कृष्ण जिनकी सेवा इंद्र कर रहे हैं तो अभी उनको ही मारने के लिए उनका हित करने के लिए आतुर हो गए, तो इतना भयावक इतना भयानक होता है क्रोध। और सब उसका रूट कॉज वही है जैसे गीता में भी आता ना कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भ, कि मतलब हमारी कामनाएं की पूर्ति नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें वर्क नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है, और फिर यदि इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो फिर लोभ। तो एनी सिचुएशन किसी भी परिस्थिति में ये जो भौतिक इच्छाएं रखना वो डेंजरस है ही, तो उसकी पूर्ति होगी तो और ज़्यादा लोभ बढ़ेगा और नहीं होगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा। इसलिए हमें पूरी गंभीरता से सीरियसनेस से कृष्ण भावना मित का पालन करने ताकि भौतिक इच्छाएँ का सफाय हो सके, हमारे हृदय से जो काम वासना है दूर हो सके। इस प्रहलाद महाराज यही प्रार्थना करते हैं, यदि दास्यसि मे कामान वरान संवर्धयस्व वा कामानां हृदय संरोहम वीर्णमस्तु वरं वरदे, कैसे यदि आप मुझ पर आशीर्वाद देना चाहते हैं तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे हृदय में जो भौतिक इच्छाएँ हैं तो उनको आप समूल नष्ट कर दीजिए। तो ऐसे हमें भी प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों में चलते हुए भगवान से उनके भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो अभी इंद्र स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन के नाम पर मेरा भोग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपको आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। तो एक और हम मतलब
समझ सकते हैं कि क्रोध के कैसे कैसे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, मतलब व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है। कि वो इंद्र यहाँ पे स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आप मेरा अपमान कर रहे हैं और मेरा भोग ग्रहण कर रहे हैं। मतलब आज तक जो इंद्र को भोग मिला था कहाँ से मिला था, हम कृष्ण की कृपा से ही ना, कृष्ण उनको भोग देने वाले थे, लेकिन अभी वो वही कृष्ण उनके कंपीटिटर जैसे बन गए, उनके प्रतिद्वंदी बन गए। उनको लगा कि यज्ञ की सामग्री, जो मेरी सामग्री मुझे मिलनी चाहिए थी, अभी कृष्ण वो सामग्री चाहते, तो भूल गए कि इतने समय से जो सामग्री अभी तक जो कृष्ण अभी तक जो भी ओपलेंसेस इंद्र एंजॉय कर पा रहे थे वो किस वजह से, कृष्ण की कृपा से ना, कृष्ण सैंक्शन कर रहे थे तभी तो वो इंद्र अपने पद पे थे और सभी ओपलेंसेस सभी ऐश्वर्य के भोक्ता को भोग कर पा रहे थे। लेकिन अभी उनके मन में क्या विचार आ गया, ये मेरा है और कृष्ण इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कितना ये व्यक्ति जब अपने आप को इम्पोर्टेंट मतलब अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और फिर तो कितना वो मतलब बिल्कुल अंधा हो जाता है ना, मदांध यहाँ पे शब्द आया कि प्राइड में आकर कितना अंधा जाता है वो, भूल बैठता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, हमारा क्या संबंध है। तो एक बदजीव की मानसिकता यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है, तो बहुत ही आवश्यक है बार बार हमें समझना कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए हम सुनते हैं प्रभुपाद के लेक्चर्स तो प्रभुपाद बार बार उसी पॉइंट पे हैमर करते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूत सनातना। तो भगवान कृष्ण की सेवा करना ही सभी जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। तो ये पूरा ड्रिल मतलब पूरा ये पॉइंट घुस जाना चाहिए चेतना, वरना माया कभी भी माया की ना दो शक्तियाँ बताएगी ना, आवरण आत्मिका और प्रक्षेप आत्मिका। तो पहले तो सब पे आवरण डाल के रखती है और यदि कुछ मनुष्याणाम शस्त्रेशु कुछ चुनिंदा लोग इससे निकलने का प्रयास करते हैं तो फिर से उनको कवर करती हूँ, थ्रोइंग प्रक्षेप आत्मिका हूँ, फिर से उनको इस भौतिक जगत में डालने का प्रयास करती है। तो इसलिए भक्तों को बहुत ही सचेत होकर बहुत ही केयरफुली ये भक्ति के सिद्धांतों का नियम विधि विधानों का पालन करना चाहिए। तो आगे इंद्र अपनी स्तुतियाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके नाम यश रूप गुण साध सामग्री तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और इन और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। तो भगवान के धाम का कौन अधिकारी है? तो इंद्र बता रहे कि जो कठिन तपस्या करते हैं, तो मतलब सख्त बाहर के लोग मतलब वो मतलब अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं कि वो ये सुबह सुबह भक्त उठ जाते हैं और ये क्या हल्ला सब तमाशा करते हैं। जैसे थे ना प्रभुपाद जी जब जुहू में जब नया मंदिर बन रहा था तो अक्सर वहाँ पर जो मतलब पुलिस वालों की तरफ लोग कंप्लेन करते थे कि ये जो इनका कीर्तन हो रहा है वो क्या न्यूसेंस है। तो इस वजह से वो मंदिर को वहाँ जुहू मंदिर को डिमोलिश करने का एक कारण बताते थे कि भक्त जो है सुबह सुबह उठ के डिस्टर्ब करते हैं। तो मतलब उनको ये नहीं पता, मतलब भौतिकवादी लोग वो चाहे अपने तरह तरह के उनके तथाकथित जो भी फेस्टिवल्स मनाएं, रात को देर देर तक शराब पी के हल्ला करें, तो वो उनको सब सही है। लेकिन अगर भक्त सुबह जल्दी उठकर भगवान की मंगल आरती करें तो उनको क्या न्यूसेंस डिस्टर्बेंस लगता है। तो यहाँ पर इंद्र बता रहे हैं शुद्धि करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है तपस्या करना। तो इसलिए और विशेषकर ये जो रिनाउंस ऑर्डर मतलब जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनके लिए तो तपस्या एक आभूषण बता रखा है। तो भले ही कैसे भी मौसम हो तो स्नान करके सुबह मंगल आरती में उपस्थित रहना चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण भी देते हैं ना गीता में कि चाहे ज्येष्ठ का महीना हो जून जुलाई का महीना हो तब भी माताएं रसोई करना नहीं चूकती ना, खाना नहीं बनेगा तो कैसे खाएंगे। तो वैसे ही कितना भी ठंड क्यों ना हो हमें स्नान करना है और उपस्थित रहना है भगवान की आरती में। तो मुझे ऐसी स्मरण आ रहा है कितने आई थिंक बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली में थे तो एक भक्त मंदिर आया करते थे, तो कुछ समय से आ नहीं रहे थे
वहाँ पर एक वरिष्ठ भक्त है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप काफ़ी समय से मतलब बीच मंगल आरती के लिए आना बंद कर दिया और फिर कुछ दिन बाद अचानक आए, तो उनसे पूछा कि आप इतने दिन से आए नहीं मंगल आरती में, तो उत्तर देने लगे कि क्या उनके घर का गीजर ख़राब हो गया था, तो इसलिए गीज़र ख़राब हो गया तो इसलिए वो ठंडे पानी से नहा नहीं सकते थे, दिल्ली में तो बहुत ठंड पड़ती है तो इसलिए वो आ नहीं सके। तो हमें समझना है कि मतलब थोड़ी सी तपस्या करके, बाहर के लोग तो कितना कितना तपस्या करते हैं ना, तो अगर हमें भगवान की आरती के लिए अगर ठंडे पानी से भी नहाना पड़ जाए तो उसमें क्या है, तो अच्छा है कि ठंडे पानी से ना के हम बीमार पड़ जाएँ, फिर डेथ भी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा, इन कंपेरिजन ऐसा विचार रखना वो मेरे शरीर को कुछ हो गया अगर मैंने ठंडे पानी से नहा लिया तो। मतलब अभी तो हम क्या तपस्या करते हैं एक्चुअली, प्रभात के समय मतलब भक्तों मतलब कितनी कितनी तपस्या करते थे न्यू वृंदावन में, तो मतलब इंडिया में तो क्या ठंड पड़ती है जो फॉरेन में पड़ती है, तो वहाँ तो लोग बर्फ़ तोड़ के, सोचो मंगल आरती से पहले आपको जाना है तो पहले आप बर्फ़ तोड़ोगे फिर वो मेल्ट होगी तो उससे स्नान हो पाएगा, तो ऐसी ऐसी तपस्या मतलब भक्तों ने की। और मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा, वरना तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में तो प्रचार के लिए तो कितना कितना, सुबह निकल जाना और पूरा दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन करके, रात को खासकर वो जो क्रिसमस का टाइम आता था तो लेट नाइट 12-1-2 बजे तक भक्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो इनको परवाह नहीं कि कुछ खाया नहीं खाया, सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा। एक समय तो ऐसा, एक मंदिर में तो ऐसा था विदेशों में कि स्टेयर केस होती है ना, तो इतने सारे भक्त थे मंदिर में और स्पेस का शॉर्टेज था कि एक एक स्टेयर केस में मतलब सीढ़ियों के एक स्टेप पे एक भक्त सोता है, दूसरे स्टेप पे दूसरा भक्त सोता है, तीसरे पे तीसरा, तो ऐसे भक्त सोते थे स्टेयर केस के एक एक स्टेप पे, लेकिन फिर भी आनंद में थे क्योंकि वो दिव्य तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धे तस्मान ब्रह्म सौख्यम तरंतम, तो उनको असली ब्रह्म सुख मिल रहा था, तो बाकी हमें भगवान के धाम जाना है उसका वाजो आनंद मिलने वाला है, उसका ग्लिम्स यहाँ पे चाहिए, तो हमेशा भगवान की सेवा के लिए तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो तभी वो जो डोर्स हैं द्वार वैकुंठ के खुलेंगे। तो आगे इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, हे स्वामी आप इस दृश्य जगत के आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं, आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं, इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या इस ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं, आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। तो भगवान मतलब तो व्यवस्था करते हैं किसी न किसी तरीके से, मतलब भगवान की जो दंड है उनकी कृपा ही है ना, वो एक सॉन्ग भी आता है ना मधुराष्टकम, दलितम मधुरम फलितम मधुरम, तो भाई जैसे एक पिता है तो अपने बच्चों को चाहे वो मिठाई खिला रहा है या फिर उसको चांटा लगा रहा है लेकिन उसमें उसका हित ही है, तो वैसे हमें समझना है कि भगवान चाहे हमें दंड भी दे रहे हैं तो हमें एक हमारे आध्यात्मिक हित उसमें हमारा कल्याण ही छिपा है, तो कृष्णा इज अ कंसिडरेट फादर कंसिडरेट लॉर्ड, तो हमारे हित के लिए सब व्यवस्था करते हैं। और तो यहाँ पर इंद्र को तो वो साक्षात वो सबक सिखा रहे हैं, और सामान्य साधक के जीवन में तो भक्तों के माध्यम से वो कुछ ना कुछ हमें पाठ पढ़ाएंगे जिससे हमारा हित हो सके, हमारा कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो सके। तो हे नाथ आप परम पिता परम गुरु तथा परम राजा हैं, अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का आपको अधिकार है, पिता गुरु तथा राज्य का परम कार्यकारी अधिकारी सदैव क्रमशः अपने पुत्र शिष्य तथा प्रजा के शुभचिंतक हैं, अतः शुभचिंतक होने के नाते उन्हें अपने आश्रितों को दंडित करने का अधिकार है। तो मतलब तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो कभी होता ना खासकर जब नए नए होते हैं, वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया, थोड़ी सी बात पे हर्ट हो जाते हैं, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया, प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, नहीं उनका अधिकार है, मतलब अच्छा है कि मतलब
हम उनकी गुड बुक्स में हैं, मतलब उनके हम कैसे कहें नज़र में हैं, वो हमें दंडित करें तो उनकी वो कृपा ही है, उन्होंने हमें निग्लेक्ट नहीं किया, वो हमारे लिए कंसर्न है, केयर है, उनका पूरा अधिकार है ना। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं उन्होंने हमारा जिम्मा उठाया है, तो यदि कोई वरिष्ठ भक्त हमें कुछ बोले, हमें कुछ सुधार दे, तो हमें तो हर्षित होना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, अनाथ और सनाथ। यदि किसी एक एक आवारा कुत्ता होता है जिसको कोई पूछता नहीं, और एक पेट डॉग होता है, तो ये जो भक्त कंठी माला क्या, ये हमारा वो क्या डॉग का क्या बोलते अट्टा। तो यदि हमें कोई डांटने वाला है, हमें कोई करेक्ट करने वाला है, तो हम कैसे सनाथ जीवित, तो बहुत हमें एक बहुत ही राइट सिचुएशन में, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि भाई हमारा माई बाप है, हमें देखने वाले, हम अनाथ नहीं है, वो हमें करेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कंसर्न है, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए चिंतित है, वरना किसको पढ़िए ना। मतलब आप भी करो, हम भी अपना करेंगे भक्ति, तो वही आपके लिए स्पेसिफिकली समय निकाल कर आपको कुछ बता रहे हैं, तो फिर ये विचार नहीं करना चाहिए वो मेरे मन को कैसा लगा, मुझे सोचा नहीं उन्होंने मुझे ठेस पहुँचेगी, नहीं, उसमें हमारा हित छिपा है, तो इसलिए हमें वो जो मानसिक धरातल है उससे ऊपर उठना है, और मतलब और जो भक्तों की कृपा उसको ग्रहण करने के लिए हमारा डिस्पोजिशन, जो हमारा कैसे कहें मतलब एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि कोई भक्त हमें, विशेषकर हमारी अथॉरिटीज़ कभी भी हमें कुछ भी करेक्शन देने के लिए या कुछ सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो ऐसा हमारा डिस्पोजिशन, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, तो हमारे लिए एक बहुत ही सेफ सिचुएशन है। शुभचिंतक होने के नाते तो भगवान हमारे शुभचिंतक हैं, तो उसी तरह हमें समझना है कि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, तो वो भी हमारे शुभचिंतक हैं, तो ऐसा नहीं वो कोई अपनी भ्रास निकाल रहे, वो हमारे हित के लिए हमें कुछ उपदेश दे रहे हैं, तो उनको ग्रहण करने के लिए हमें भी जो भी करेक्शन है, जो भी टीचिंग है, उसको हमें सहज स्वीकार करना चाहिए और उसको फिर अपने आश्रम में उतारने का प्रयास करना चाहिए। एक गौड़ी मठ में भक्तिजान सरस्वती के समय तो ये बहुत फेमस थी दो चीज़ें, क्या एक प्रभुपादेर दाल और प्रभुपादेर काल। तो दाल मतलब जो भक्तिजान सरस्वती उड़द की दाल उनकी फेवरेट थी, तो उसका उच्चिष्ट वो अपने शिष्यों के लिए छोड़ते थे, तो सब भक्त बहुत खुश होते थे जब वो ऐसी कृपा मिलती थी, लेकिन खाली वो मिलने में खुश नहीं होते थे, जब भक्तिजान सरस्वती उनको चेस्टाइज करते थे, डांटते थे, तो वो भी उनको बहुत ही आनंद देने वाला था प्रभुपादेर काल। तो इसलिए हमें तो वो चीज़ हमें वो चीज़ तो महाप्रसाद तो अच्छा लगता है, गुरु महाज का महाप्रसाद, लेकिन अगर गुरु डांटे तो वो पसंद नहीं है, वो फटकार पसंद नहीं है, नहीं तो उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, तो जितना उनकी उच्चिष्ट जैसे हमारा शुद्धिकरण करने वाला है, तो उनकी जो वाणी है चाहे वो हमें कड़वी लगे, लेकिन वो भी हमें ऊपर उठाने वाली है, तो उसको भी ग्रहण करने के लिए हमें उतना ही आतुर रहना है। तो आगे इंद्र स्तुति कर रहे हैं, आप इस धरालोक को महिमा मंडित करने तथा विशेषता अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। इस संसार में मेरे जैसे अनेक मूर्ख हैं, किंतु कालांतर में जब उन्हें ज्ञान होता है तो वह आपकी शरण ग्रहण करते हैं और पुनः आपकी सेवा में अपने को लगा देते हैं। आपसे ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को आपके दंडित करने का यही कारण है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है, अतः हे भगवान मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूँ। तो एक बहुत अच्छा लेसन भी है कि यदि हमारी मतलब कुछ हम गलती करते हैं तो फिर हमें बहुत ही हमली जाके फिर एक्सेप्ट करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो ये मतलब ये फिर हमारा जो स्मूथ प्रोग्रेस फिर आगे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारी गलती एक्सपोज भी हो जाए, लेकिन अहंकार इतना होता है कि हम उसको डिफेंड करने का जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, तो ये बहुत ही बैड एटीट्यूड है कि यदि हम गलती करें और फिर उसको जस्टिफाई करें। तो अच्छा अगर हमारे हमारी जो गलतियाँ हैं वो प्रदर्शित हो रही हैं, तो हमें तो समझना चाहिए कि हमें भगवान अवसर दे रहे हैं सुधरने का, तो हम समझ सकते हैं ना। भक्तों के समाज में बिल्कुल विपरीत है, मतलब बाहर में क्या है, बस हमारा गुड एक कैसे क्या
रोजी पिक्चर, सब मेरा अच्छा ही दिखना चाहिए, लेकिन भक्तों के समाज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स है ना, तो अच्छा है मेरे दोस्त प्रकट हो रहे हैं, तो भगवान की कृपा है कि मैं कि मुझे भक्त और अच्छे से गाइड करेंगे, मेरी जो चैलेंजेस है, जो मेरी वीकनेसेस है, अच्छा वे एक्सपोज हो रही है, अभी मैं ओवरकम कर पाऊँगा, अभी मुझे भक्त और मार्गदर्शन देंगे, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मैं और प्रगति कर पाऊँगा। तो मतलब इस तरह का इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए डीलिंग्स में। और फिर हम गलती कर रहे हैं तो अपनी अथॉरिटी को हम, मतलब उसमें कोई झिझक नहीं, फिर हम बिल्कुल ईजिली अप्रोच कर सकें और क्षमा मांग सकें, मतलब ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब बाहर में अभी तक जैसे हम रहे बाहर के जगत में, तो कभी हम क्षमा मांगनी पड़ती है तो भी क्या, खाली मजबूरी के कारण, ठीक है सॉरी स्कूल में गलती करते थे तो सॉरी मैडम सॉरी सर बोल दी और फिर वो गलती रिपीट करना, लेकिन और उसमें भी एक हैबिट रहती है ना, क्योंकि बच जी रहे हैं तो हमारी, हम कृष्ण देश कर कर आए हैं, तो हमारी एक बहुत ख़राब हैबिट रहती है कि हम क्या उसको भी जस्टिफाई करते हैं, एक्चुअली वो मैंने ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी तो इसलिए मैंने ऐसा एक्शन लिया, लेकिन नहीं अगर आप क्षमा कर रहे हो तो फिर कोई डिफेंस नहीं, कृष्ण जानते हैं ना, कृष्ण सब देख रहे हैं, उनके हृदय में भी आपके हृदय में भी है, और फिर आप जब क्षमा मांग रहे हो तो फिर मतलब पूर्ण तरह से एहसास होना कि मैं ही गलत हूँ, और फिर उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, तो पूरी प्रकार से ज़रा भी एक ट्रेस भी होना चाहिए, मतलब ज़रा भी डिफेंसिव मेंटेलिटी का कुछ ट्रेस नहीं रहना चाहिए कि इस कारण से ये हुआ वो करना, नहीं कृष्ण सब जानते हैं, तो मैं प्रस्तुत हूँ, मेरा किस में हित होगा, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, जब मैं स्वीकार करूँगा और भक्त मुझे सही मार्गदर्शन देंगे, मुझे ऊपर उठाने में हेल्प करेंगे। हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के समय भी जब कोई भक्त गलती करते थे और फिर अपने आप को डिफेंड करते थे तो उनको और डांट पड़ती थी, तो यही परंपरा चल रही है, तो हम भी सीनियर डिवोटीज के आचरण में देख सकते हैं कि जितना जितना हम अधिक अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था इसलिए वो कंडीशन हुई, तो उतना उतना और वो हमें हैमर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारा असली इलाज कैसे होगा, वो जो मिथ्यांकार है वो कूट कूट के भरा हुआ है अंदर तक छिपा हुआ है, इसके ट्रेसेस बिल्कुल ना रह जाए, इसलिए वो और बार करते हैं। लेकिन जब भक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मुझे क्षमा करिए मुझसे गलती होगी, अभी मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, जैसे यहाँ पर इंद्र कह रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि जिससे मैं पुनः ऐसा मुमतापूर्ण कार्य ना कर सकूँ, तो अभी वो कुछ जस्टिफिकेशन नहीं, मतलब मेरी गलती है मुझे क्षमा करिए, अभी आगे से मैं ऐसा ना करूँ, तो उसके लिए मुझे उपयुक्त मार्गदर्शन दीजिए। तो इस प्रकार से जब हम प्रेजेंट होंगे अपनी अथॉरिटीज़ के आगे, तो वो जो एटीट्यूड है वो भगवान को पसंद करने वाला है, तो फिर भगवान अथॉरिटी के माध्यम से हमें ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे हम, जिसको हम अपने आचरण में उतार कर एक प्रगति सही रूप से कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाएंगे। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल निष्ठा कराकर वृंदावन में उपद्रव मचाया है। मैंने आपके द्वारा मेरी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया, किंतु हे स्वामी आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। तो ये समझना है कि यदि हमारा अहंकार खंडित हो रहा है तो उसको हमें कृपा के रूप में लेना है। तो अक्सर अगर हम, खासकर जब हम गलती करते हैं, फिर हमारा, हम राइट मेंटेलिटी में एक सही डिस्पोजिशन में नहीं होते, लेकिन जब हमें लेसन मिल जाए, सबक भगवान सिखा दे, हम अपनी सेंसेस में लौट आए, तो फिर हमें स्वीकार करना चाहिए, मतलब ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करके हमें एक बहुत ही उपयुक्त सबक सिखाया है, ये जो मेरा मिथ्या अहंकार था जिसको मैं लेके फिर रहा था, तो भगवान ने भक्तों के माध्यम से इसको हम खंडित करवा रहे हैं, तो ये उनकी कृपा है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, अपना केवल परम नियंता है अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। तो भगवान जैसे एक गुरु कंसर्न होता है ना अपने शिष्य के आध्यात्मिक प्रगति के प्रति, तो वैसे भगवान भी बहुत कंसर्न है कि कैसा हमारा आध्यात्मिक उत्थान, तो उसके लिए जो भी उपयुक्त सिचुएशन है, एप्ट सुटेबल सिचुएशन, वो भगवान अराइज करवाएंगे। तो यहाँ इंद्र के केस में भगवान पर्सनली एक्शन ले रहे हैं, और एक सामान्य साधक के जीवन में भगवान व्यवस्था करेंगे कि भक्तों के माध्यम से यदि वो गंभीर है और कुछ त्रुटि है, तो भगवान ऐसा व्यवस्था करेंगे कि ऐसी परिस्थिति हो
और फिर उसका जो अहंकार है वो खंडित हो और वो फिर उपयुक्त उसका मानसिकता बन सके कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने के लिए। तो कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसने परमेश्वर की पूजा की इसलिए वह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत करना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। तो फेमस है कि जैसे यस्यम अनुग्रहामी हरिष्य तद धनम चले, तो भगवान की कृपा है वो ये सब भौतिक ऐश्वर्य छीन देते हैं और फोर्स करते हैं उनकी शरणागति लेने के लिए जिसमें हमारा परम कल्याण परम मंगल चलता है। चैतन्य चरितामृत में भी एक जगह चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कोई कृष्ण भक्ति में आया लेकिन अगर वो भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं तो कैसा है, वो मूर्ख जैसा है कि मैं तो उसको अपने चरणामृत का रस प्रदान करना चाहता हूँ लेकिन उसको क्या, उसको मिट्टी खानी है। तो भगवान कृपावश उसको उसकी भौतिक आसक्ति पूरी नहीं करते। तो इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्गधाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। तो यहाँ पर मतलब भगवान निर्देश दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी भगवान ने इंद्र की सीटी कैंसिल कर दी है कि भाई अभी किसी और को पोस्ट पर बिठाएंगे अभी बहुत हो गया, नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजा बने रहो लेकिन झूठे अहंकार से बचना, हमेशा स्मरण रखना कि आपका भी सर्वोच्च नहीं हो। सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि अपने आप को सर्वोच्च ना मानना अभी तू परमेश्वर के अधीन समझना। तो हम भी इसे लेसन ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे नहीं कि अभी हम प्रभुपाद के इस आंदोलन में तो अनेक अनेक कैसे कहें सेवाओं के रिलेटेड अनेक अनेक पोस्ट दी जाएगी, ठीक है आपको टेम्पल प्रेजेंट बनना है GBC RGB जो भी है, तो ऐसे नहीं कि पद ही खराब है लेकिन नहीं। तो सेवा के लिए एक संस्था है तो उसमें हमें पद स्वीकार करने हैं जब भी हमारे सीनियर्स हमें इस योग्य समझे, लेकिन कभी उसमें आके गर्व नहीं करना, कभी झूठा अहंकार नहीं रख लेना वो मैं तो बाकी अभी मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ या मैं मतलब GBC या कुछ भी सन्यासी बन गया, नहीं। तो ये सब क्या है, हमारी सेवाओं को एक में हेल्प करने के लिए सपोर्ट करने के लिए पोजीशंस हैं फैसिलिटीज हैं। तो भले ही भगवान का कि ठीक है इंद्र को भी आप राजा बने रहो लेकिन कभी भूलना मत कि हमारी बात ठीक है, ठीक है। तो इसलिए जो हमें त्यागना है वो क्या, वो मिथ्याहंकार की भावना। तो ऐसा नहीं कि जैसे अक्सर कभी खासकर कभी कभी भक्त ऐसा विचार रखते हो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एकदम ये सब संस्था में तो ये सब पोजीशंस हैं पावर है सब करप्ट करने वाली है मैनेजमेंट हो सब तो एकमात्र हरी नाम, लेकिन वही नाम कब हो पाएगा जब एक अच्छा से मैनेजमेंट हो पाएगा ना, उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज चाहिए आपको तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो धारणा है कि मैं भोगता हूँ मैं इंजॉयर हूँ जिसके कारण बहुत ही जगत में पड़े तो उसको कभी पनपने नहीं देना, तो हमेशा एक अपने आप को याद दिलाते रखना जैसे यहाँ भगवान इंद्र को उपदेश दे रहे कि हम कभी ये ना समझे कि हम सर्वोच्च हैं, हम तो क्या जैसे चैतन्य महापुरुष बताते हैं गोपी भरती पद कमलो दास दासानुदास। तो ये हमारी हर एक भक्त की एस्पिरेशन होनी चाहिए कि कृष्ण परम निरंतर, जैसे प्रभुपाद बताते थे कि ये 5 वर्ड्स आप याद रखो तो ये याद रखेंगे तो कभी कैलमिटी नहीं होगी हमारे जीवन में, क्या कृष्णा इज दी सुप्रीम कंट्रोलर, तो ये परफेक्ट नॉलेज है तो इसको कभी भूलना नहीं कि हम सब उनके अधीनस्थ हैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनके उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हमारा पूरा जीवन उत्सर्ग होना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है तो वो शेयर करने के बाद हम विराम देते हैं। तो जैसे प्रभुपाद ने भी सुनाया ये स्टोरी पर काफ़ी इंस्ट्रक्टिव है। तो एक बार क्या होता है कि कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर गली में क्रिकेट खेलते रहते हैं बैट बॉल लेके बहुत शोर करते हैं खेलते हैं क्रिकेट। तो ऐसे कुछ बच्चे थे जो कि
ऐसे ही घर के आसपास कहीं जाकर वो अपना क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका पास नहीं करता, तो वो बहुत ही डिस्टर्ब होता था, वो उसको कुछ काम वाम करना होता था, और उसी समय वो लड़के आ जाते थे और बहुत हल्ला करते थे, तो अपनी वो कार्य नहीं कर पाता था। तो वो एक युक्ति सोचने लगा कि मैं क्या करूँ मैं, कि जिनसे ये लड़कों को यहाँ से भगाऊँ। तो बहुत सोचने लगा, तो एक दिन वो आया उनके पास, तो कहने लगा कि तुम, मैं देखता हूँ कि आप यहाँ आते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, मैं रोज़ आपका मैच देखता हूँ, बहुत बढ़िया आप खेलते हो, मैं बहुत खुश हूँ आपके खेलने से। तो सब लड़कों को दो दो रुपया दिया, ठीक है आप रोज़ ऐसे खेलते रहो, ठीक है, और ज़रूर मैं मतलब बहुत अच्छा लगता है आप खेलते हो, तो आप कंटिन्यू करो उसको खेलना। तो ऐसे फिर कुछ समय बीता, फिर दोबारा वो कुछ दिनों बाद गया, कहता मैं एक महीने से आपका मैच देखता था, बहुत बढ़िया आप खेलते हो, मैं बहुत खुश हूँ आपकी परफॉर्मेंस है, ले लो सबको 5-5 रुपये दे देता, ठीक है ये आप खेलते रहो यहाँ पर। तो लड़के और खुश, भाई मतलब मैच भी खेलते हो और पैसा भी मिल रहा है, तो फिर वो खेलते रहे इसी तरह। तो फिर कुछ टाइम और बीता, फिर कहते कि आप खेलते तो बहुत अच्छा हो, मुझे बहुत रोज़ मैं देखता हूँ आपका मैच, पर कि अभी मेरे पास थोड़ी तंगी चल रही है, कोरोना आ गया तो मेरा काम धन चौपट हो गया, तो अभी मेरे पास क्या ये इस महीने ज़्यादा आमदनी हुई नहीं है, तो ये 50 पैसे ही बचे हैं, तो मैं सबको एक एक 50-50 पैसे देता हूँ, लेकिन अगली बार बहुत अच्छा आपको दूंगा, आप खेलना बंद मत करना, ज़रूर खेलते रहना। उनको बहुत बुरा लगता है कि भाई कहाँ तो 5 रुपये मिल रहे थे, अब ये सीधा 8 आ गई। पर फिर जो भी था, तो फिर नेक्स्ट मंथ आया, उनको लगा भाई अभी तो इसका काम सेटल हो गया होगा। तो व्यक्ति आया, कहता कि आप बहुत अच्छा खेलते हो, मैं आपको बहुत खुश हूँ आपके मैच से, पर अभी क्या, अभी तो और तंगी चल रही है, ये सबको मैं 25-25 पैसे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ रोज़ और खेलो, तो देखते हैं 25 पैसा उसके मुंह पे मारते हैं, पकड़ो अपने 25 पैसे, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खेलेंगे यहाँ पर, तो चले जाते हैं वहाँ से। बस उस व्यक्ति को वही तो चाहिए था, उनका मैच बंद करवाना। तो माया ऐसी करती है, हम भक्ति में आए थे किस लिए, टेम्पल प्रेसिडेंट बने, GVC बने, शिष्य बना रहे, नहीं तो हम तो कृष्ण को प्रसन्न करने आए थे ना, इस इच्छा से आए थे, लेकिन माया टेम्पटेशन देती रहती है, वो अभी तो इतने शिष्य होंगे, इतना फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, इतने लाइक्स मिलने चाहिए यूट्यूब पे, तो नहीं मिलते तो कैसे उत्पीड़न होता है। तो इसलिए हमारा जो इंटेंशन है हमेशा किस उद्देश्य से हम आए थे वो स्पष्ट होना चाहिए, तो वो सब हमें मिलेगा जब नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों को, प्रभुपाद की वाणी को अंगीकार करते रहेंगे। तो वही हमारा सेफ सेंटर है, भक्तों का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन। तो आज के इस विशेष पर्व पर हम प्रार्थना करते हैं गिरिराज गोवर्धन भगवान कृष्ण जो अभिन्न है, एक्चुअली वो भगवान कृष्ण भी और हरिदास वर्य उनको भगवान के जो भक्तों के भी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ भक्त भी बता रखा है। एक प्रवचन में परम पूज्य भक्ति का समाज बता रहे थे कि जैसे हरिदासियों में गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, तो वैसे हरिदासों में गोवर्धन श्रेष्ठ हैं। तो कैसे वो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में कि गोवर्धन जानते हैं कैसे भगवान कृष्ण को सर्वाधिक तुष्ट किया जाता है, कैसे किया जा सकता है कि जो भगवान कृष्ण के सखाएँ उनको बढ़िया से फ्रूट्स हर्ब्स, उनके लिए शीतल जल, गायों के लिए घास, तो भगवान के जो बिलोवेट्स हैं, उनके एसोसिएट्स हैं, गायें हैं, उनके सखाएँ, तो उनको तुष्ट करके कैसे भगवान कृष्ण को परम संतुष्ट, परम प्रसन्न किया जा सकता है। तो आज के विशेष दिन पर उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी उनके भक्तों को, आध्यात्मिक गुरु को, उनके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करके, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। तो यहीं पर हम विराम देते हैं, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन।